आज रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन लगातार कर रहा है जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन ने अपनी मिसाइल स्ट्राइक से रूस के एक टैंक को किया तबाह। युद्ध के 79 दिन भी अजोविस्टल पर जारी है रूस का अटैक। अजोविस्टल स्टील प्लांट के पास सुनी गई बम धमाकों की आवाज। डोनबास में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने तबाह किया पुल। पुल में लगाए गए थे विस्फोटक। हमले में रूस की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। यूक्रेन के चार्निहिव में रूस के हमले जारी। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने दो स्कूलों को बनाया निशाना। गोलाबारी में 3 लोगों की हुई मौत। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी। रूस ने एंटी टैंक यूनिट से यूक्रेन पर किया हमला। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन को भारी नुकसान। यूरोपियन यूनियन का रूस पर बड़ा हमला। दुनिया के लिए रूस को बताया सबसे खतरनाक देश। यूक्रेन में रूसी अत्याचार की जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। यूक्रेन में बुच्चा में नरसंहार का लगाया था रूस पर आरोप। यूक्रेनी सैनिकों ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से लगाई मदद की गुहार। अजोविस्टल स्टील प्लांट से उसे रेस्क्यू करने की अपील। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर में रूस के हमलों के बाद वापस अपने घर लौटे लोग। रूस के बमबारी से लोगों के घरों को हुआ भारी नुकसान। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा। कहा फरवरी से अब तक रूस ने 570 अस्पतालों को बनाया निशाना। मिसाइल हमलों में यूक्रेन के कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज तबाह। पाकिस्तान के कराची में देर रात ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। कई गाड़ियां तबाह। इमारतों के शीशे भी टूटे। और खबर है कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 13 से ज्यादा लोग हुए घायल। पीएम मोदी इंदौर से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति। 3 संचालकों से करेंगे संवाद। पीएम की वर्चुअल उपस्थिति में स्टार्टअप नीति का होगा शुभारंभ। 2000 लोगों की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। कानपुर में पहली बार आयोजित होगा अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दूसरे ग्लोबल कोविड समिट में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। कहा भारत में हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल। नवनीत राणा के दिल्ली वाले घर पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की बैठक। बैठक में किरीट सोमैया भी शामिल रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में रैली में राज ठाकरे पर कसा तंज। कहा जो भी कुत्ता जैसा भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम है भौंकना, शेरों का काम है खामोशी से जाना। केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय 5 घंटे बढ़ाया गया। श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हुई फेल। आईटीबीपी और एनडीआरएफ को सौंपी गई कमान। यात्रियों का आंकड़ा 1,32,000 के पार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर भेजे गए तिहाड़ जेल। अमानतुल्लाह पर दंगा भड़काने का आरोप। अमानतुल्लाह खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप। मदनपुर खादर में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का पुलिस विरोध करने पर किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने अमानतुल्लाह खान को गुंडा बताया। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी के काम में बाधा डाली। कालिंदी कुंज में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी हंगामा। पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे लोगों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा बीजेपी शासित एमसीडी दिल्ली को तहस नहस करने में जुटी। दिल्ली एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर। आज खाड़ा कॉलोनी नियर कालिंदी कुंज में चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में गुरुवार को भी अतिक्रमण हटाने का काम चला। इस अभियान में कई इलाके में हिंसा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज। पीएम के जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं तो उनका होना चाहिए स्वागत। राज ठाकरे के अयोध्या आने पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है चाहे वो मन से का हो। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान का किया गया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया निर्देश। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर मौलाना सूफियान का बड़ा बयान। मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाए हमें नहीं ऐतराज। मदरसों को शक की नजर से देखा जा रहा। अयोध्या के मठ मंदिरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी मठ मंदिरों को लेकर मुक्त किया गया। अयोध्या में बदले गए चौराहों के नाम। उदया चौराहा अब होगा लता मंगेशकर चौराहा। टेढ़ी बाजार चौराहा अब होगा निषाद राज चौराहा। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि 25 लाख हड़पने का आरोप। अप्रैल 2021 में मऊ जिले के सराय लखनसी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ 424 पेज की चार्जशीट दाखिल। स्पेशल सीजेएम कोर्ट में 25 मई को होगी अगली सुनवाई। पीयूष जैन के ठिकानों से 196 करोड़ रुपए और 23 किलो सोना मिला था। माफियाओं को जल्द से जल्द सजा दिलाने की तैयारी में योगी सरकार। तय हुआ 100 दिन का टारगेट। अतीक विजय मिश्रा दिलीप जैसे कई नाम शामिल।
मायावती के बाद आजम खान के समर्थन में उतरे बीएसपी सांसद हाजी फजल रहमान, बोले बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, बड़े नेता पर सरकार कर रही है बहुत ज्यादा जाति। दो दिन के मुजफ्फरनगर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिला सभागार में आयोजित अभिनव पहल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी में डीएस चौहान बने प्रभारी डीजीपी, डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनाती के साथ संभाल रहे डीजी विजिलेंस का प्रभार। कानपुर में स्कूटी से घूमे राज्य मंत्री असीम अरुण, मलिन बस्ती में सक्री गलियों का किया निरीक्षण। आज शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, बारिश के पहले हो रहे कामकाज का लेंगे जायजा, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे मौजूद। आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड का आज दूसरा दिन, ईडी आज भी पूजा और सीए सुमन से करेगी पूछताछ, कल राज्य सरकार ने किया था पूजा को सस्पेंड। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, मामले पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी राज्य सरकार करेगी, बीजेपी को बताया हल्ला बोल पाए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात, सीएम पर कार्रवाई की मांग, पद के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बंधु तिर्की ने बीजेपी के मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की रघुवर कार्यकाल की जांच की मांग। शेखपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भव्य स्वागत, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गाजियाबाद के मोदीनगर में सब्जी मंडी से 12 बोरी नींबू को चुरा ले गए चोर, बाजार में इसकी कीमत 70,000 रुपए। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन की कैंटीन पर तड़के 3 बजे लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में बुलेट रन शिवांगी डबास का जानलेवा स्टंट वीडियो वायरल, पुलिस ने दिया अल्टीमेटम। उत्तराखंड के श्रीनगर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ, वन विभाग और पुलिस की टीम 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बोले 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे, ओबीसी के वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। एमपी में थोड़ी और साफ हुई चुनाव की तस्वीर, 3 चरणों में बैलेट पेपर से होंगे पंचायत इलेक्शन, 2 फेज में ईवीएम पर बनेगी शहरों की सरकार। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर छिड़ा घमासान, आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव के विरोध में ओबीसी महासभा का 21 मई को प्रदेशव्यापी बंद, पूछा चुनाव में पार्टियां किस आधार पर देंगी टिकट। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के भीटिया जंगल से युवक का शव बरामद, मोती यादव के रूप में हुई मृतक की पहचान। कैमूर जिले के दुर्गावती चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक ट्रक से अवैध रूप से शराब खेप को किया जब्त, जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई। सहरसा में बेटी की डोली उठने से पहले मां की उठी अर्थी, शादी की खुशियां बदली मातम में, बस नहीं थाना क्षेत्र के बड़सम गांव का मामला। भागलपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम कर्मी से हुए लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में 25 साल के एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में शव मिलने से सनसनी, हत्या और आत्महत्या एंगल से जांच कर रही पुलिस। गिरिडीह में नाड़ा गांव निवासी एक की संदेहास्पद स्थिति में मिला जंगल से शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। आरा में सरेराय हथियारबंद बदमाशों ने युवती की गला गोली मारी, जख्मी युवती को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के सरैया में फंदे से लटकता मिला बुजुर्ग का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, छानबीन में जुटी। नालंदा के रनुचक मुखिया ने 5 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज करवाया। खगड़िया में नई नवेली दुल्हन के हाथ में बंदूक, स्टेज पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मारपीट में पुरुष और महिला घायल। जहानाबाद की कल्पा ओपी का विवाद आया सामने, थाना अध्यक्ष और एएसआई के सामने एएसआई ने दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। नालंदा के पटना रांची NH20 के पास ट्रक और बस में हुई जोरदार भिड़ंत, बस में सवार यात्री बुरी तरह से जख्मी। खगड़िया में यात्रियों ने भरी बस गड्ढे में पलटी, हादसे में 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल, बस को साइड देने के दौरान हुआ हादसा, मौके से ड्राइवर फरार। भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण दस्ता को करना पड़ा था झड़प का सामना। बेतिया में करीब 34 घर जलकर हुए खाक, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। गया में रफ्तार का कहर, हादसे में युवक की मौत, 3 लोग घायल। जमीन विवाद में बेहटा में हुए विजय कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मौके से पिस्टल, देसी कट्टा के साथ 3 कारतूस बरामद। खूंटी के तपकरा पुलिस को नक्सली गतिविधि समाप्ति के अभियान के चलते नक्सली सुखराम पाहन को 2 सहयोगी गिरफ्तार, मौके से हथियार भी बरामद। मधुबनी के राड़ चौक पर कपड़े की दुकान से लाखों की चोरी, दुकान की छत काटकर चोर दुकान में दाखिल हुए।
मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर शौचालय के पास रखे दो लावारिस बैग, बैग से शराब की बोतल बरामद। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने शराब बरामदगी और शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, अलग अलग जगह पर छापेमारी करके तीन लोग गिरफ्तार। लातेहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के अंतिम चरण में 14 मई को प्रथम चरण के लिए डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। बक्सर में आदर्श ग्राम दुधारचक पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। कटिहार में एनएचएआई के निर्माणाधीन आरओबी कार्य पर रुकावट डाल रहे रेलकर्मियों के द्वारा जांच में पहुंची जिला प्रशासन की टीम। किशनगंज में आरजेडी को सीमांचल में मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा सदस्यता अभियान, पूर्व विधायक अब्दुल हाजी सुभान ने जातिगत जनगणना को कराए जाने की मांग की। सिमडेगा में पंचायत चुनाव को लेकर पाकाटांड प्रखंड के सिकरिया टांड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुजफ्फरपुर में पुलिस विभाग ने समीक्षा करने पहुंचे, एटीएस ने ईडीजी के जिला के तमाम इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिलाई शपथ, छठवीं बार प्रधानमंत्री बने विक्रमसिंघे। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे देश में फिर से लगा कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों ने बसों में और गाड़ियों में लगाई आग। रिहायशी इलाकों तक पहुंची कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, तेज हवाओं की वजह से भड़की आग की चपेट में आने से 20 मकान जले, प्रशासन ने इलाके को कराया खाली। अमेरिका के फ्लोरिडा में टला बड़ा हादसा, गाड़ी के ड्राइवर के अचानक बेहोश होने के बाद लोगों ने साथ मिलकर बेकाबू कार रोकी, पास लगे कैमरे में कैद हुई घटना। अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो, आसमान में पायलट की तबीयत खराब होने के बाद अनुभव विहीन यात्री ने संभाला स्टीयरिंग, एटीएस से लगातार बात करते सुरक्षित कराई लैंडिंग। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण ने बढ़ाई टेंशन, जापान के विदेश मंत्री ने कहा जापान सागर में उत्तर कोरिया का मिसाइल का दागना मंजूर नहीं। चीन के राजधानी बीजिंग में कोरोना अलर्ट, सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में लाई सख्ती, घर से निकलने सामान की डिलीवरी पर लगाई रोक। भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ ओटीटी पर रिलीज होगी कश्मीर फाइल, मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग का हुआ आयोजन, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री रहे मौजूद। फिल्म कश्मीर फाइल्स की सफलता पर बोले फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री, बोले फिल्म का उद्देश्य कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना था, आज यासीन मलिक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। फिल्म भूल भुलैया 2 का प्रमोशन में जुटे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। फिल्म धाकड़ की प्रमोशन में जुटी कंगना रनौत, कपिल के सेट पर पहुंची कंगना रनौत का दिखा ग्लैमरस अंदाज, फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के साथ पोज देती आई नजर। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एयरपोर्ट पर ग्लैमरस रूप में आई नजर, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही है फिल्म। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भिड़ेगी पंजाब किंग्स, शाम 7:30 बजे ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा मुकाबला, विराट की फॉर्म बढ़ा सकती है बेंगलुरु की परेशानी। प्लेऑफ से बाहर हुई चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से हराया, सिर्फ 97 रन पर ऑल आउट हो गई धोनी की टीम। अबुधाबी में दिखेगा कोलकाता नाइट राइडर्स का जलवा, संयुक्त अरब अमीरात की नई T20 लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फ्रेंचाइजी खरीदी, फ्रेंचाइजी का नाम अबुधाबी नाइट राइडर्स होगा। महिला वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अनामिका की जीत के साथ हुआ आगाज, अपने डेब्यू मुकाबले में रोमानिया की यूजेनिया एंजेल को हराया। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।